नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlallantop.com। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के पहले एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें इंदौर के एक कांग्रेसी नेता कहते दिख रहे थे, चचा आपको मेरी इज्जत रखनी है, पार्टी गई तेल लेने। ये नेता थे तब कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जीतू पटवारी। लगता है चचा ने बात मान ली थी और जीतू 5000 वोट से चुनाव जीत भी गए, फिर मंत्री भी बन गए, उच्च शिक्षा मंत्री। पर एक चीज होती है आदत, जो आसानी से नहीं बदलती, बड़ बोलेपन की। जैसे बिहार में एक नेता है गिरिराज सिंह, वो जब तक 2-4 महीने में एक विवादित बयान न दे दे उनका काम नहीं चलता। तो मध्य प्रदेश में ये जिम्मा संभाल रखा है जीतू पटवारी ने। कैसे? वो जीतू का ताजा बयान सुनकर आप समझ जाएंगे। वो 2 मार्च को रतलाम के सैलाना में थे, वहां किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। अब सूखा सूखा सर्टिफिकेट बांटेंगे तो नेता कहे के तो देने लगे भाषण। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए किए जाने की बढ़ाई करने लगे। बोलते बोलते बोल गए, क्या किसी ने कल्पना की थी कि हमारी बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए मिलेंगे? एक गरीब परिवार जो किसान है, मजदूरी करता है, उसकी बेटी की जब शादी आती है तो घर में हर तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाना पीना करना पड़ता है, पीने के लिए और तरह की देसी विदेशी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। जानता हूं इस बात को, तो कहां से आए वो पैसा? इसकी व्यवस्था भी आदरणीय कमलनाथ जी ने कर दी है। और इस कार्यक्रम में ये शराब वाला बयान अकेला नहीं था, पटवारी ने एक और विवादित बयान दिया इसी कार्यक्रम में। वो बोले, अधिकारी कर्मचारी चाहे वो सहकारी संस्था का हो, कृषि विभाग का हो, हमारे तहसील या कलेक्ट्रेट का हो, यदि कोई चूक की तो ये कमलनाथ की सरकार है, डंडे मारने में भी कसर नहीं छोड़ेगी। माने नेताजी एकदम फॉर्म में थे, पहले शराब फिर डंडे चलाने की बात। पटवारी की बातें सुन वहां मौजूद उनके कार्यकर्ता और भीड़ खूब खिलखिलाई, खूब तालियां बजी। फिर ये वीडियो हो गया वायरल और लोग अब नेताजी की लानत मनालत कर रहे हैं। देश भर में तालियां बज रही हैं, मगर गुस्से वाली, इसलिए कि एक प्रदेश का मंत्री ऐसी हल्की बातें कैसे कर सकता है, वो भी तब जब नई नई सरकार आई हो, लोकसभा चुनाव सिर पर हो। पर क्या कीजिएगा, पर कभी कभी ये नेता अपने बड़बोलेपन में सच भी बोल जाते हैं। चुनाव के दौरान शराब की व्यवस्था तो करनी ही पड़ती है। आप किसी भी गांव चले जाइएगा चुनाव के वक्त, आपको बतेरे किस्से मिल जाएंगे। तो हो सकता है जीतू आने वाले चुनाव के लिए जनता को ये ऑफर की तरह दे रहे हों, पर जो भी वो कर रहे थे वो और उनका बयान एकदम गलत है, निंदनीय है। आपका इस बयान पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।